नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी निंदा की। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उपहास उड़ाकर उनका अपमान करना राहुल गांधी जैसे लोगों द्वारा इस कृत्य का समर्थन करना है। बता दें आपको कि यहां पर दो दिन से लगातार निलंबित किए गए सांसद संसद की सीढ़ियों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां पर टीएमसी के एक नेता ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यहां पर करी और सामने राहुल गांधी खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गए और अब उनसे सवाल यहां पूछा जा रहा है कि एक उपराष्ट्रपति का इस तरीके से मजाक उड़ाना वाकई में राजनीति में इतिहास वाला काम कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर संसद मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। दूसरी तरफ दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद अपना कार्यकाल और अपने कामकाज को बड़े अच्छे तरीके से वो यहां पर करती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, यहां वसुंधरा राजे के साथ यहां देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बातों को भी वो यहां पर काटती नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां काफी लंबे टाइम से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही है, लेकिन जिस लिहाज से डिप्टी सीएम उनके साथ कर रही हैं, उसको देखकर नहीं कहा जा सकता कि वसुंधरा राजे यहां मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि दिया कुमारी एक युवा महिला नेत्री हैं, वसुंधरा राजे तजुर्बेदार और एक उम्रदराज भी नेता हैं। उनको राजस्थान के बारे में इतना पता है कि शायद यहां नए मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को एक बड़ा झटका यहाँ पर दिया है नए सीएम को उतार कर, वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ी दुख की बात है। और साथ ही साथ यहाँ वसुंधरा राजे के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच भी नहीं रही है, ना केंद्र में ना लोकसभा चुनाव में। आखिरकार वसुंधरा राजे करेंगी तो क्या करें? क्या वसुंधरा राजे के बगावती तेवर दिखने वाले हैं कुछ ही दिनों में? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 में कोई गलती नहीं करना चाहती, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा राजे को लेकर कोई चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। आखिरकार क्या वसुंधरा राजे का होगा अगला कदम? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।